पीछे हो रहा है खूबसूरत सा सनराइज और हो चुकी है स्टार्ट अपनी अगली राइड। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि फिर मिलेंगे किसी अगली नई राइड में, तो स्वागत है आप सभी का एक नई राइड में, एक नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हम निकल चुके हैं अपनी एक राइड पर। इसका प्लान पिछले 2-4 दिन में ही ठीक से बना है। इसके पहले कोई खास प्लान तो था नहीं, बस मन में चल रहा था कि जाना है जाना है जाना है। हमने सोचा जब जाना है तो चलते हैं, तो बस निकल पड़े हैं। इस बार हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तो आप लोग गेस करो कि वो कौन सी जगह है, जब तक मैं इसको ओवरटेक करता हूँ। एक मिनट, थंबनेल और टाइटल में तो लिखा होगा ना मैं कहाँ जा रहा हूँ। अरे यार, मैन फैट जा रहा हूँ, पता तो आपको है ही है ना। मैं भी कहाँ जेम्स बॉन्ड बन रहा था। अच्छा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो, तो यार इसके पहले मैंने पूरी में भी व्लॉग्स बनाए हैं। मैं पूरी गया था, उसके भी व्लॉग्स हैं, आप वो भी देखिए, आपको मज़ा आएगा। और वो अगर अच्छा लग जाए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यार राइड के शुरू शुरू में ये सब दिखाओगे क्या? क्यों मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करना चाह रहे हो? तो आई गेस यहाँ से लेना है हमें टर्न, और क्या यहाँ से हाईवे ख़त्म? हे भगवान, हाईवे बस इतना ही था क्या? सफ़र अभी शुरू हुआ नहीं है और ऑफ रोडिंग पहले से ही शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं, ऐसा लग तो रहा है कि आगे जाके कहीं जुड़ रहा है खरसिया रोड कुछ। ऐसे ही शेप के पहाड़ ना, मैं बचपन में वो सीन में बनाता था चार्ट पेपर में, उसके बीच में एक सन, फिर वहाँ से एक बहती हुई नदी और ऊपर 4-5 पंछी उड़ते हुए। थोड़े देर से जो पैच चल रहा था, सीरियसली थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब पैच था, मतलब रोड ख़राब, उसके कारण से गाड़ी थोड़ी स्लो हो जा रही है। स्लो होने के कारण पूरे ग्लास में अंदर से फॉग जम रहा है, फॉग जमने के कारण वैसे भी विजिबिलिटी कम है, उसके बाद ट्रक इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि बाहर डस्ट बहुत है, उसकी वजह से विजिबिलिटी और ज़्यादा कम है। आई गेस इसीलिए गूगल मैप में थोड़ा सा टाइम जो है वो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज़्यादा बता रहा है, क्योंकि गूगल को पता है कि भाई चला तो तुम पाओगे ही नहीं। यार काफ़ी देर के ख़राब पैच के बाद एक रोड आई है, थोड़ी अलग सी है, काफ़ी नैरो रोड है, दोनों साइड एकदम जंगल ही जंगल है। एक सेकंड के लिए तो मैं गूगल पे फिर से डाउट करने लग गया था, यार ये कैसे रास्ते में लेके जा रहा है, आई डोंट नो ये रोड कहाँ तक जाएगी, हो सकता है फिर से जाकर ये उसी रोड पर मिल जाए, बट चलो थोड़े देर के लिए आराम है। यार 2 मिनट का ब्रेक जैसा लिया था, क्योंकि काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मैं रुक के थोड़ा चाय पी लूँ। धर्म जयगढ़ मैंने क्रॉस कर लिया है, थोड़ी देर पहले ही क्रॉस हो गया धर्म जयगढ़। यहाँ से रह गया है 82 किलोमीटर, और गूगल के अकॉर्डिंग इसको कवर करने में मुझे लगेंगे 2 घंटे 40 मिनट। और सीरियसली बताऊँ, अभी तक जिस हिसाब से रोड आए हैं मुझे लगता है गूगल सही है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
चाय चाय। तो यार काफ़ी देर तक इन ख़राब रास्तों में चलाने के बाद फाइनली थोड़े देर बाद मुझे मिला एक स्टॉल जहाँ पे अभी फ़िलहाल चाय बन रही है, जहाँ मुझे चाय मिल जाएगी। बहुत देर से मैं सोच रहा था यार कोई तो जगह मिले जहाँ मैं बैठ के चाय पी सकूँ। तो रास्ते तो यार अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, आगे भी रोड मुझे कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं रोड कुछ ख़ास तो नहीं है, मतलब जब से मैं घर से निकला हूँ आई गेस जो हाईवे के बाद मैंने खरसिया रोड लिया था उसके बाद से ढंग की रोड अभी तक नहीं आई है। बीच में थोड़ी देर का पैच आया था जो गांव के बीच से जा रहा था, जो बहुत पतली गलियों जैसा रोड था, वो आई गेस अच्छा रोड था। उसके बाद से अगेन बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों गूगल बोल रहा था कि 100 किलोमीटर कवर करने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। पिछले एक घंटे में मैंने आई गेस 25 किलोमीटर कुछ कवर किया है, जो कि थोड़ा स्लो स्पीड है मेरे हिसाब से। चलिए फिर यहाँ पे चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे फिर सड़क कैसी है। तो यार मैं रुका था अभी तक जिस जगह में, उस जगह का नाम है खम्हार, और जैसा लोग बता रहे हैं कि इस रोड की हालत पिछले एक साल से ऐसी ही है, क्योंकि इसे बनाने के लिए ऐसा किया गया है बट एक साल हो गए ये अभी तक बने नहीं है। पता नहीं कब तक ये रोड ऐसी रहेगी, चलिए और कब तक हमें ऐसी रोड पे चलाना है ये भी देखते हैं। यार अच्छा हुआ मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था, काफ़ी देर से बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, सीरियसली ज़ीरो नेटवर्क है ही नहीं। अब यहाँ से रह गया है 74 किलोमीटर, इसको कवर करने में गूगल के अकॉर्डिंग लगेंगे 2.5 घंटे। गूगल मेरे को 12 बजे से पहले पहुँचने देगा ही नहीं, सुबह से लगा हुआ है कि बेटा तू पहुँचेगा तो 12 बजे ही, तू कितना भी मेहनत कर ले। ओह बाप रे, गूगल मैप में एक बार आप देखिए कैसा दिख रहा आगे का रास्ता। मुझे ऐसा लगता है कि यार या तो हम सीतापुर पहुंच गए हैं या बस पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि जहां तक मैंने देखा था गूगल मैप में सीतापुर से सिर्फ 35 किलोमीटर ही है मेन पार्ट, और अब टोटल बचे हैं 36 किलोमीटर मेरे होटल तक, जो कि मेन पार्ट में ही है। तो आई गेस ये सीतापुर ही होना चाहिए फिर। हाँ सीतापुर, तो ओके यही है सीतापुर फिर। मेन पार्ट 28 किलोमीटर, वेरी गुड। चलिए टाइगर पॉइंट इधर है। शोले वाले टंकी, यार मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने रूम में। चेक इन मुझे मिल गया है, मैं ऑलमोस्ट करेक्ट टाइम पर पहुंच गया था। जैसे मैं आया यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो अभी कोई भी लाइट्स वगैरह ऑन नहीं है, तो मैं खिड़की के पास बैठ के ये व्लॉग बना रहा हूं। थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर लाइट आ जाती है तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई तो फिर पावर बैंक तो हमारे पास है, विल मैनेज नो प्रॉब्लम, 2 से 3 स्पॉट तो कवर उसमें हो ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आपसे रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो हम हो गए पूरी तरह से रेडी और अब हम निकलने वाले हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ, और आई शुड कॉल इट हमारे सबसे पहले स्पॉट की तरफ इन मैन पार्ट, और वो स्पॉट है, क्या है वो स्पॉट, वो स्पॉट है टाइगर पॉइंट।
टाइगर पॉइंट इस तरफ है यार। मैंने कहा था ना आप लोग मेरा हसीन सा मुखड़ा मिस कर रहे होगे, तो लीजिए मेरा हसीन सा मुखड़ा। पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट, कितना? तो यार मैप में तो कुछ और ही दिखा रहा था टाइगर पॉइंट का लोकेशन, लेकिन यहाँ पे जो टाइगर पॉइंट लिखा हुआ है वो कुछ और है। चलिए, ये पार्किंग जैसा कुछ लगता है यहाँ का, बाकी अभी जाते हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम पहुँच चुके हैं अपने पहले स्पॉट पर जिसका नाम है टाइगर पॉइंट। पार्किंग तो मैंने आपको दिखाई दिया था, जहाँ पे मैंने बाइक रोकी वही वहाँ का पार्किंग है। स्पेसिफिकली कोई यहाँ पे अलग से बनाया हुआ पार्किंग नहीं है, बस एक ओपन स्पेस है जहाँ अपनी बाइक रख सकते हैं। एंट्री पे आपको 10 रुपये की टिकट देनी है और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है टाइगर पॉइंट का रास्ता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये था टाइगर पॉइंट। यार बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, बड़ा मज़ा आया मेरे को तो। थोड़ी देर कैमरा बंद करके मैं शांति से बैठा हुआ था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत ही पीसफुल वाइब्स आ रही थी। तो बस अब टाइम हो रहा है 3:15 मेरे बाइक में भी और मेरे घड़ी में भी। ओके, वेरी गुड। शाम की तरफ जा रहे हैं तो क्यों ना कोई ऐसा पॉइंट कवर किया जाए जहाँ से सनसेट देखने का मज़ा है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्पॉट की तरफ। एक्चुअली सनसेट का आइडिया मेरे को यहाँ से आया, यार टाइम तो ऑलरेडी 3 हो ही गया है और ये जैसा एरिया है मुझे लगता है 5 बजे तक यहाँ पे लगभग हर चीज़ क्लोज हो जाती होगी, 5:30 तक। तो यार एक सनसेट पॉइंट हमें मिल तो गया है जिसका नाम है परपटिया सनसेट पॉइंट। थोड़ा मज़ेदार सा नाम है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है मैंने किसी के YouTube वीडियो में भी ये नाम सुना हुआ है। और ये सनसेट के लिए ही है क्योंकि इवन गूगल मैप्स ने भी इसका नाम सनसेट पॉइंट के नाम से ही दिखा रहा है। तो आई होप यहाँ पे सनसेट मज़ेदार होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ से उसका डिस्टेंस है कुछ 38 किलोमीटर्स। ओ मैन, सीरियसली? ये था परपटिया सनसेट पॉइंट। आई होप आपको टाइम लैप्स थोड़ा पसंद आया होगा। वैसे तो यहाँ पे पूरा सनसेट अभी हुआ नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, बट उतना देर में यहाँ वेट कर नहीं सकता क्योंकि जिस रोड पे मुझे वापस जाना है वहाँ कोई भी लाइट्स नहीं रहने वाली है और मुझे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर अभी वापस जाना है, तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं रोशनी रहते कुछ डिस्टेंस कवर कर लूँ तो बेहतर रहेगा। तो बस बाइक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने होटल की तरफ। Thank you.
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। यार आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा। वैसे तो लोग कहते हैं ठंड में दिन छोटा हो जाता है, लेकिन मेरे लिए दिन बहुत ज़्यादा लंबा था। सनराइज से लेके सनसेट तक आज मैंने दिन भर बाइक चलाई है। आज का दिन स्टार्ट हुआ रायगढ़ से। मैंने पहले ट्रैवल किया रायगढ़ से मैनपाट, और यार ये जो रायगढ़ से मैनपाट का रूट था ये बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते वाला रूट था। उसके बाद हम गए सबसे पहले टाइगर पॉइंट पे, और उसके बाद आपने देखा परपटिया सनसेट पॉइंट। टाइगर पॉइंट जाना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वो मेन जो मैनपाट के जितने भी होटल वाले लोकेशन से वहाँ से थोड़ा पास ही है, तो आप वहाँ पर आना जाना कर सकते हैं आराम से। आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रोड भी वहाँ अच्छे हैं। बट अगर आप परपटिया सनसेट पॉइंट जाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा सनसेट होने तक का वेट ना करें, क्योंकि यार पूरा सनसेट होने के बाद कंप्लीट अंधेरा हो जाएगा और वहाँ से आने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो बस फिर आपसे कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नए स्पॉट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राइड सेफ एंड फॉलो योर पैशन।